अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। केबीएन न्यूज़ की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिसे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा हल्के बारकस में UPHC सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां पर अवाम को दी जा रही COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के जिम्मन में डॉक्टर से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया और मजीद तफसीलात भी हासिल की। हुकूमत ने बैंक मुलाजमीन के लिए कोरोना टीके की मुहिम का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदों के साथ टीकांदाजी पर जायजा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत की कि वो बैंकर्स के इश्तराक से तमाम बैंक मुलाजमीन की टीकांदाजी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के अलावा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को भी आइंदा हफ्ते खसूसी मुहिम में टीके की खुराक दी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने बैंकर्स को बताया कि हुकूमत ने अक्टूबर के अख्तिताम तक खसूसी टीकांदाजी मुहिम के जरिए जोखिम वाले ग्रुप्स की टीकांदाजी मुकम्मल करने का फैसला किया है। पहले मरहले में ऐसे ग्रुप्स को तरजीह दी गई जो अवाम में गश्त करते हैं। हुकूमत ने रियासत के लिए जायद वैक्सीन के हुसूल पर मरकज से नुमाइंदगी की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दीनस मुनस अरविंद कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयश रंजन, सेक्रेटरी हेल्थ मुर्तजा अली रिजवी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर व साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने AIG हॉस्पिटल वाकई गच्चीबौली का दौरा किया, जहां पर कांग्रेस रुकन असम्बली सितक्का की वालिदा अस्पताल में शरीक हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा। चंद्रबाबू नायडू ने सितक्का से मुलाकात की और उनकी यादत भी की। టీమ్ లెవెల్గా పనిచేసి నేను ఆ గ్రూప్లో కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాను మెయిన్ స్కీమ్ అప్పుడు వచ్చిన ఎక్స్ట్రాడినరీ अनजहानी राजशेखर रेड्डी की दुख्तर YS शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर KCR पर तनकीद की और कहा कि वो रियासत के अवाम को कोरोना टीका दिलाने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया ने एक माह कबल ही रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में टीके की पहली डोज का सिलसिला रोक दिया था। उन्होंने ताजुब का इजहार किया कि रियासती हुकूमत को हैदराबाद से ही ताल्लुक रखने वाली टीका तैयार करने वाली कंपनियों से टीका नहीं मिल रहा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अपने ट्वीट्स में ये बात कही। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो कम से कम अब अपने रवैये में बेहतरी लाएं। लॉकडाउन कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर इसमें तौसी की जाएगी, काबिना के इजलास में कल हो सकता है फैसला। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी और एहतियाती इकदाम के जेर बहस आने की तवक्को। लॉकडाउन के बेहतर नतायज और उससे कोरोना के मामलात और अमवात में कमी के पेश नजर हुकूमत इस लॉकडाउन को मनसूख करने या फिर मजीद तौसी देने के सिलसिले में फैसला करेगी। रियासती काबिना का इजलास चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में 8 जून को 2 बजे दिन प्रगति भवन में मुनक्किद किया जाएगा। वजीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने इशारा दिया है की हुकूमत आवाम को मजीद राहत देने का मंसूबा रखती है। इम्कान है कि रियासती काबिना कोरोना के दरमियान रियासत की सूरत हाल में तिब्बी सेहत और ज़राई सरगर्मियों और लॉकडाउन की वजह से रियासत की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगी। काबिना बेशतर आबपाशी प्रोजेक्ट्स, किए जाने वाले इकदाम, बारिश के मौसम के दौरान आबपाशी के लिए पानी की दस्तियाबी और दीगर आबपाशी से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल भी करेगी। रैतु बंधु के तहत माली इमदाद, खाद, कीड़े मार दवाओं की दस्तियाबी और दीगर ज़राअत से मुतालिक मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत के इकदाम के बाद कोरोना के मामलों में कमी हो रही है, काबिना महकमे जाती इकदाम पर तबादला ख्याल कर सकती है। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने महकमे सेहत व तबाबत की तैयारी और एहतियाती इकदाम पर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। काबिना रियासत की मईशत पर लॉकडाउन के असरात पर भी तवज्जो मरकूज करेगी और इससे मुतालिक इम्कान है कि फैसले किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर 19 जिलों में 7 जून के बजाय 9 जून को डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इफ्तिताह करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस मौके पर इसी दिन इसी वक्त तमाम वजरा मौजूद रहें। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि ऐसे मुकामात जहां पर वजरा नहीं है वहां मराकिस के इफ्तिताह के मौके पर सरकर्दा शख्सियात को मंदू किया जाए। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स।
इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।